अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो गीता में जो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग इनकी बात की गई है, चर्चा की गई है, तो इनके क्या क्या अंग हैं, कर्म योग का क्या है, कर्म योग में कैसे करना है, ज्ञान योग के कौन कौन से अंग हैं, इस प्रकार से कल हमने चर्चा की थी साधन नवधा भक्ति की, जो भक्ति के अंग है नवधा भक्ति, और इसके पहले हमने चर्चा की थी श्रद्धा, परमार्थिक श्रद्धा जो भक्ति योग में भक्ति में आने के लिए हमको अधिकार प्रदान करती है। अब हम लोग आज की चर्चा करते हैं भगवत तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, ये तीनों तत्व क्या क्या हैं, भगवान कौन है, जीव कौन है और माया क्या है, उनकी शक्ति, भगवान की जो शक्ति है वो क्या है, प्रकार क्रमशः है। अब हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है भगवत तत्व, मतलब भगवान कौन है, तो इसके लिए हमें आश्रय लेना होगा श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान उसमें स्वयं अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं, चौथे अध्याय में नवे श्लोक में बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनः। अर्थात मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल हैं, अलौकिक हैं, वो इस जगत से सर्वथा परे हैं, उसी को हम बोलते हैं दिव्य हैं। और इस प्रकार एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, इस प्रकार जो मनुष्य इस इन मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, तो उसको फिर क्या फल मिलता है उसका, त्यक्त्वा देहम्, वो अपनी देह को जब त्याग देता है तो शरीर को त्यागने के बाद फिर वो पुनर्जन्म उसका नहीं होती, पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है, दो काम होते हैं, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता और वो भगवान को प्राप्त करता है, दोनों बातें हैं इसके अंदर। तो इसमें एक कंडीशन है कि हमें भगवान का जन्म और कर्म वो दोनों ही जानने होंगे, और कैसे जानने होंगे, तत्वतः। हम लोग तत्व की बात कर रहे हैं, जब से हमने बात किया है, शुरू की है गीता की क्लासेस, तब से हम लोग तत्व को ही जान रहे हैं, क्योंकि तत्व को जाने बिना हम उस वस्तु के गुण को, उसकी महिमा को नहीं जान सकते। भगवान की महिमा जानना है तो हमें जानना होगा कि भगवान क्या वस्तु हैं, भगवान की महिमा क्यों है, भगवान की आवश्यकता क्या है, भगवान को हम क्यों जाने, और क्या हम भगवान को जान सकते हैं, और अगर हम जान सकते हैं तो कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए फिर श्रीमद् भागवत में जहाँ पर एक जगह पर प्रसंग है 10वें स्कंध में, कि जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया था, तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ था, तो वो फिर कृष्ण के सामने आए थे और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की थी वहाँ पर, और कृष्ण की स्तुति उन्होंने करते हुए बड़ा अच्छा बताया था कि भगवान को कौन जान सकता है और कैसे जान सकता है। तो उसमें बताते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत्वेवि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। ये 10वें स्कंद में 14 अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी, वो कह रहे हैं अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय, अर्थात वो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने
हे देव, जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है, पदाम्बुज आपके जो चरण कमल हैं, जिनका प्रसाद मतलब जिनको कृपा नहीं मिली है, लेश मात्र कृपा भी नहीं मिली है, वो अनुग्रहित नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जानाति तत्वम भगवन महिमनो, कि वो लोग सच्चिदानंद आपका जो विग्रह है उसके तत्व को, उसकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। अथापि ते देव पादाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एवी, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ही आपके तत्व को जाना जा सकता है। जानाति तत्वम भगवन महिमनो, आपका जो तत्व है वो आपके कृपा प्रसाद से ही जाना जा सकता है। न चान्य एकोपि, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर दीर्घ काल से, चिरम का मतलब है दीर्घ काल तक, विचिन्वन का मतलब है कि अगर वो उसका अनुसंधान करते हैं बहुत समय तक, दीर्घ समय तक उसको शास्त्र के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा अन्वेषण करते हैं, तो भी किसी भी प्रकार आपको नहीं जान सकते। अर्थात एकोपि, कोई मनुष्य, उनका जो एक व्यक्ति है, जो मुख्य व्यक्ति है, मतलब कोई भी नहीं जान सकता है, एक व्यक्ति भी आपको नहीं जान सकता है, अन्य कोई भी, जब तक आपकी चरण कमलों की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और यही बात जो है, जब गीता समाप्त हुई है तो अर्जुन जो है भगवान से जब कह रहे हैं लास्ट में बिल्कुल, कि क्या हुआ है उनको, जब उनका मोह नष्ट हो गया था, तब भगवान से वो क्या कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तद प्रसादात्मया च्युत स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो बता रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ये 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं आपका दास हूँ, और त्वत् प्रसादात, यहाँ भी प्रसाद शब्द आया, प्रसाद का अर्थ है कृपा, कि ये सब हुआ है आपकी कृपा से। तो यहाँ पर ये प्रमाणित हो जाता है कि भगवान की कृपा के बिना हम भगवत तत्व को नहीं जान सकते। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये मानकर कि हमें भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी हमारी इस बात को जानने की इच्छा हो रही है, हमारी कृपा है भगवान की, इसीलिए हम लोग उनको जानने की, इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है उनके अनुसार भगवान को जानने की यथावत हम कोशिश कर रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं। फिर यही बात भगवान भी बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे को जाना जा सकता है और कौन जान सकता है। 18वां अध्याय में ही भगवान बता रहे हैं, 55वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। देखिए 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और 4थे अध्याय के बाद भगवान ने 5 से लेके 17-18 पूरा अध्याय हो गया, फिर वहां पर सब लोगों का वर्णन किया, कर्मी का, ज्ञानी का, तपस्वी का, योगी का, भक्त का, सबका वर्णन किया, फिर यहाँ पर अपना फाइनल डिसीशन दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है मेरा, भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। अगर हम तत्व से भगवान को जानना चाहते हैं तो ज्ञान योग साधन नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसमें कि भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति का मतलब अच्छी प्रकार से, यावान यश चास्मी तत्वतः, अर्थात क्या है कि मैं जो हूँ, यावान यश चास्मी, कि जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को तत्वतः जानते हैं तभी हम ये जान पाते हैं कि वो वस्तु कैसी है, जैसी है बिल्कुल एज इट इज जिसको बोलते हैं। तो भगवान को एज इट इज जाना जा सकता है, तत्वतः जाना जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। और भक्ति के द्वारा जानकर क्या होगा, फिर बता रहे हैं वो वही बात, उस भक्ति से वो तत्व से मुझको जानकर क्या होगा, तत्काल मुझ में ही प्रवेश, मुझ मेरी ही लीलाओं में प्रवेश कर जाएगा। ततो माम तत्वो तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, उसके अनंतर में, उसके बाद में वो मेरी ही लीलाओं में प्रवेश करेगा, यानी वो मुझको ही प्राप्त करेगा। तो 4थे अध्याय के बाद फिर भगवान ने 18वें अध्याय में फाइनल निर्णय दिया कि केवल एकमात्र भक्त ही मुझको तत्व से जान सकता है। ये तो हो गई भगवान को जानने की बात। अच्छा, अब भगवान का स्वरूप क्या है, तो इसके लिए अलग अलग जगह पर बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम आश्रय लेते हैं श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवत में, जब भागवत के 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं उसमें,
तो भागवत जब श्री महर्षि व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले भागवत का महात्म्य बताया, भागवत श्रवण करने की महिमा क्या है, तो उस महिमा का वर्णन करते हुए ये महिमा उन्होंने ली है पद्म पुराण के अंदर। पद्म पुराण में 6 अध्याय हैं, उसमें भागवत की महिमा का वर्णन दिया गया है। तो भागवत महात्म्यम के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है जो भगवान के स्वरूप का निरूपण कर रहा है, वो क्या बता रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप कहता है सच्चित आनंद, सच्चित आनंदमय भगवान, हमने सुना होगा ये वर्ड, सच्चित आनंदमय है भगवान, यही उनका रूप है, उनका सच्चित आनंदमय विग्रह है। तो ये है भगवान का विग्रह, सच्चित आनंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, और वो भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं, अर्थात विश्व की सारी उत्पत्ति और उसके अतिरिक्त और उसका पालन, उसका संहार, ये सारे के सारे कार्य जो हैं भगवान के द्वारा ही होते हैं। भगवान ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं, हेतवे मतलब कारण है, हेतु है, और वो कारण फिर वो क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, वो तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, वो ताप हैं तीन प्रकार के, आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे डिटेल में। ये तीन प्रकार के ताप हैं जिससे इस संसार के सारे जीव दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं, वो अग्नि में पड़े हुए हैं, वो इन तापों से जल ही रहे हैं सारे लोग। और उन श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उन कृष्ण को नमन करते हैं। इस प्रकार इसमें भगवान का स्वरूप बताया गया, क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप। और यही बात जो है ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान की, उसके अंदर गोविंद स्तोत्र जो है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये भी उसी का एक पार्ट है। तो ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है उसका पहला श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कौन है भगवान, कौन है, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पर भी वही बात, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण, एकमात्र कृष्ण की बात की गई है यहाँ पर, इस बात को ध्यान देना होगा, दोनों जगह पर कृष्ण की बात हो रही है। तो ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह कैसा है, स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह जो उससे पहले बताया गया था, और वो क्या है, अनादिरादि गोविंद, अनादि है, अनादि का मतलब उनका कोई आदि नहीं है, अनादि, अनादि का मतलब उनका कोई कारण नहीं है, भगवान क्यों है इसका कोई उत्तर नहीं है, भगवान है अनंत काल से है, आदि अनादि काल से है, जिसका कहीं आदि है ही नहीं, और फिर क्या है, वो आदि है, खुद तो अनादि है और वो आदि भी हैं। आदि किसके हैं, जो भी सारा विश्व है, जो भी उनके अवतार हैं, वो सारे उनसे ही प्रकट हुए हैं, भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, कृष्ण के अनेक अनेक अवतार हैं, कृष्ण के अवतार जैसे राम है, नरसिंह है, वामन है, मत्स्य, कूर्म, वराह, बहुत सारे अवतारों की वर्णन की गई है, 24 अवतारों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, तो उन सबके आदि हैं, मतलब स्वयं अवतारी हैं, और उन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और क्या बता रहे हैं आगे, सर्व कारण कारणम, जितने भी जगत में कारण हैं उन सबके एकमात्र कारण वही हैं। कारण कारणम का मतलब होता है जब भी कोई कार्य होता है तो उसका कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझें, एक घड़ा है, तो घड़े का कारण क्या है, घड़े का कारण है मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा, मिट्टी नहीं हो तो घड़ा है कार्य, और मिट्टी जो है वो है कारण, तो मिट्टी का भी कारण कौन है, वो भी भगवान है। सर्व कारण कारणम, जगत में जितने भी कारण देखे जाते हैं कार्यों के, उन सबके भी कारण एकमात्र भगवान है, अर्थात वही मूल स्रोत है, वही उद्गम स्थान है, उन्हीं की सत्ता से सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की, सारे अवतारों की, सारे देवी देवताओं की सत्ता प्रकाशित होती है, तभी उनको बोला गया वो सर्व कारण कारणम। अब यहाँ पर हमको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भगवान का जो स्वरूप है वो है सत, चित और आनंद। अब हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि सत क्या है। सत का अर्थ होता है सत्ता, सत्ता अर्थात अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, कि भगवान हैं,
भगवान का होना यह है उनका सत स्वरूप। सत सत्ता किसी चीज की भी, किसी भी चीज की सत्ता, किसी वस्तु की सत्ता कैसे हो, कैसे हम जानेंगे? किसी वस्तु की सत्ता को चार प्रकार से जाना जा सकता है। उस वस्तु का नाम होगा, उस वस्तु का कुछ रूप होगा, आकार होगा, उस वस्तु का कुछ गुण भी होगा और उसकी क्रिया भी होगी। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो वस्तु ही नहीं है, यानी कि उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं हवा, वायु, तो वायु क्या है? वायु का नाम है, रूप, वायु का रूप नहीं है, वायु का गुण है और क्रिया भी है। तो इसका नाम भी है, गुण भी है और क्रिया भी है, देख रहे हैं हम, है ना? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ होगा जो हमें दिखाई देती है या ना दिखाई दे। कोई ऐसी वस्तु इस जगत में नहीं हो सकती जो जिसका नाम भी नहीं हो, जिसका रूप भी नहीं हो, जिसका गुण भी नहीं हो, जिसमें कोई भी गुण नहीं हो और जिसमें क्रिया भी नहीं होती हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। जो जड़ वस्तु है उसके अंदर क्रिया नहीं होती है, लेकिन उसका नाम होता है, उसका आकार होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है। इस प्रकार से अस्तित्व को बोलते हैं हम सत्ता, सत। दूसरा भगवान, दूसरा अंश है भगवान का चित्त। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का आकार नहीं होता, तो इसलिए ज्ञान होता है निराकार। नंबर वन सत, नंबर टू चित्त, और नंबर थ्री आनंद। आनंद का मतलब आनंद, कि वो वस्तु सबको खुद आनंदमय है और सबको आनंद प्रदान करती है। भगवान एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं आनंदमय है, उनके अंदर आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान का विग्रह आनंदमय है, इसका मतलब यह है कि जैसे एक चीनी का खिलौना होता है, चीनी का खिलौना होता है तो उसको चाहे ऊपर से खाओ चाहे नीचे से खाओ, वो दोनों तरफ से, हर तरफ से चीनीमय है, शुगरमय है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है हर प्रकार से आनंद में डूबे हुए हैं। तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है और लोगों को भी आनंद देते हैं। इस प्रकार भगवान का तीसरा स्वरूप, तीसरा अंश है आनंद। अब भगवान के ये तीनों अंश के कारण भगवान की तीन प्रकार की प्रतीतियां होती हैं। तीन प्रकार भगवान जो है जगत के लोगों को प्रतीत होते हैं, तीन प्रकार प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान का तीन अंश बताए हैं मेन। इसी प्रकार से तीन प्रकार के ही लोग इस जगत में होते हैं और उनकी रुचि के अनुसार भगवान उनके सामने उसी प्रकार प्रकट होते हैं। तो इसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है, पहले स्कंद में दूसरा अध्याय और 11वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्य तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। इस जगत में हमने पहले भी चर्चा की थी, चार प्रकार के लोग माने जाते हैं, व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। अब कर्मी जो हैं वो तो सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं, वो लोग अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम बात करते हैं ज्ञानी, योगी और भक्त। तो इसका मतलब साधक हमारे तीन प्रकार के हुए, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो इन तीन प्रकार के साधक जो हैं, इनकी तीनों की अलग अलग रुचियां हैं, इन तीनों का अलग अलग साध्य है, उद्देश्य है। तो ज्ञानी का उद्देश्य है ब्रह्म, इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, ज्ञानी का उद्देश्य है ब्रह्म, योगी का उद्देश्य है परमात्मा और भक्त का उद्देश्य है भगवान। इसीलिए भगवान का जो चित्त अंश है उससे ज्ञानी के लिए जो है ब्रह्म प्रकाशित होता है, भगवान का स्वरूप भगवान के चित्त अंश से, क्योंकि चित्त अंश क्या है? ज्ञान है ना, और ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, और ब्रह्म का भी कोई आकार नहीं मानते हैं ज्ञानी लोग, कि ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। अब इसमें जब सिर्फ एक चित्त अंश होता है तब हम उसको संज्ञा देते हैं ब्रह्म की, लेकिन इसी चित्त अंश में अगर सत्ता को और ऐड कर दिया जाए, सत अंश को, तो फिर उसका आकार आ जाएगा, उसकी सत्ता आ गई ना, उसका आकार आ गया। तो जब आकार आ गया तो यहां हो गया सत और चित्त। तो सत और चित्त को मिलाकर बनता है भगवान का एक दूसरा स्वरूप, एक दूसरा अंश, उसको बोलते हैं परमात्मा, जो अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में अवस्थित है, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा बैठे हैं, इस प्रकार वो बन जाते हैं परमात्मा। और तीसरा स्वरूप जब उसमें आनंद भी डाल देते हैं तो वो पूर्ण स्वरूप जो हो जाता है, सत चित्त और आनंद, ये हो जाता है स्वयं भगवान भक्त के लिए।
तो भक्त के आगे भगवान का भगवान स्वरूप जो समग्र रूप है उनका वो प्रकाशित होता है, ज्ञानी के आगे ब्रह्म जो भगवान का आंशिक है और योगी के आगे परमात्मा जो आंशिक है। इस प्रकार से इसे समझना होगा। तो ज्ञानी का साध्य है ब्रह्म की उपासना, योगी का साध्य है परमात्मा की उपासना और भक्त का साध्य है भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान का उसमें आनंद भी है, उसमें ज्ञान भी है, पूर्ण सत्ता है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है। इस प्रकार से तीन प्रकार के जो भक्त हैं वो देखे जाते, तीन प्रकार के जो साधक हैं वो देखे जाते हैं। अब अगर हम इसको उदाहरण से समझा चाहे कि ये भगवान की तीन प्रकार की प्रतीतियां क्यों हो रही हैं। अब इस श्लोक में आया था वदन्ति तत् तत्त्वविद् स्वतत्त्वम्, जो तत्वविद लोग हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि भगवान का स्वरूप क्या है। वो अद्वैय ज्ञान परतत्व है। यत् ज्ञानम अद्वयम्, अद्वयम का मतलब एक, तो अद्वैय ज्ञान है। परतत्व का मतलब सबसे श्रेष्ठ तत्व। तो भगवान अद्वैय ज्ञान परतत्व है, यह उनका स्वरूप हो गया सच्चिदानंद। और तीसरा उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है उससे तीन प्रकार की प्रतीतियां होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब हमारा ये हो गया निष्कर्ष कि भगवान अद्वैय ज्ञान परतत्व हैं और भगवान की तीन प्रतीतियां हैं, जो ज्ञानी को ब्रह्म के रूप में, योगी को परमात्मा के रूप में तथा भक्त को भगवान के रूप में प्रकाशित करते हैं वो स्वयं को। अब इसमें एक एनालॉजी समझते हैं कि एक ही भगवान तीन प्रकार से कैसे प्रकाशित होते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण है जो पूर्ण रूप से नहीं सिर्फ आंशिक रूप से ही समझने के लिए हमको इसमें एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक ट्रेन है, रात के समय में एक ट्रेन दूर से आ रही है, तो जब हम स्टेशन पे खड़े होके उस ट्रेन को देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? सिर्फ एक लाइट दिखती है, देयर इज सम लाइट, और जो हमारी तरफ आ रही है उसमें कोई आकार नहीं है, सिर्फ लाइट है, निराकार है वो। तो ये है भगवान की ब्रह्म की प्रतीति। फिर जब वो पास आ जाती है काफी, तब उसकी एक आकार बनने लगता है, उसका एक शेप नजर आने लगती है कि हाँ ये इतनी बड़ी है, इतना इसका आगे से दिखाई दे रहा है, सब आकार दिखाई देने लगा। तो वहां पर वो आ जाता है परमात्मा, भगवान की वो दूसरी प्रतीति है परमात्मा। जब बहुत दूर थी तो ब्रह्म है, जब और नजदीक आई तो परमात्मा हो गए, और जो बिल्कुल सामने स्टेशन पर आके खड़ी हो गई तब वह भगवान की प्रतीति हुई। फिर वो एज इट इज दिख रही है, जैसी वो है, तो वो है भगवान, वो भगवान है। तो ये भक्त के आगे भगवान अपना पूर्ण स्वरूप जो है प्रकाशित करते हैं, जैसे वो वास्तव में हैं, जो भी बताया था 18वें अध्याय में, यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं, उतना ही मैं अपने भक्त के आगे प्रकाशित हो जाता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, वही मुझे तत्व से जान पाता। इसीलिए भगवान ने बताया कि ज्ञानी और योगी लोग मुझे तत्व से नहीं जान पाते, वो मेरी एक आंशिक प्रतीति जो है, जिसको ब्रह्म और परमात्मा की संज्ञा दी गई है, वो उनका साध्य होता है, वो वहीं पर अटक जाते हैं। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर भगवान आ गए तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ज्ञानी लोग सेवा नहीं करते हैं, ज्ञानी क्या सेवा करेगा, वो तो ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म में तो कोई गुण ही नहीं है, ना कोई आकार है, ना आकार है ना गुण है, तो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, कोई विशेषता भी नहीं है, और निशक्तिक, उसमें शक्ति भी नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी उपासना नहीं करते। योगी लोग जो है परमात्मा का ध्यान करते हैं, अंगुष्ठ मात्र परमात्मा जो हमारे हृदय में है, लेकिन उनकी भी प्रेम का भाव नहीं होता उनके अंदर। योगी लोगों में भी भाव नहीं होता, क्योंकि आनंद नहीं है ना वहां, आनंद नहीं है। आनंद मिलता है तभी जब आदान प्रदान होता है भावों का, और भक्त भगवान के साथ भावों का आदान प्रदान करके भगवान को भी आनंद देता है और स्वयं भी आनंद लेता है। जबकि योगी किसी प्रकार का भगवान को आनंद नहीं देता, और ना ही भगवान उसको आनंद देते हैं। उसके लिए बताया गया, भगवान ने बताया आगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्थैव भजामि हम, कि वो जैसा मेरा भजन करते हैं वैसा ही मैं उसका भजन करता हूं। तो जब योगी भगवान को कुछ आनंद नहीं देते तो भगवान ही उसको आनंद क्यों देंगे? वो उसको भगवान स्वरूप प्रकट ही नहीं करते उसके आगे, वो अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट करते हैं, जो जज की भांति है, जो सिर्फ निर्णय देगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, जो जितना उसने किया उतना उसको फल दे देगा। लेकिन भगवान जज नहीं है, भगवान एक पिता की भांति है। तो वही पिता जब कोर्ट में चला जाता है तो जज बन जाता है, वही भगवान जब
अंतर्यामी हो जाते हैं जगत के अंदर, तो फिर वो परमात्मा के रूप में उतना ही फल देते हैं जितना उस व्यक्ति ने कार्य किया है। इस प्रकार से इसकी बताई गई है कि तीन प्रतीतियां हैं भगवान की। इस प्रकार से ये अब अद्वैय ज्ञान परतत्व भगवान कैसे हैं, तो इसके लिए तीन प्रकार के भेद शास्त्रों में बताए गए हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। ये तीनों भेद भगवान में नहीं है, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। जैसे जगत हम देखते हैं अपने शरीर में, स्वगत भेद, स्वगत भेद का मतलब है कि एक ही शरीर के अंदर जो अलग अलग विभिन्न अवयव हैं, उन अवयवों में परस्पर भेद, उनका आकार और उनकी क्रिया में भेद। जैसे हमारा आंख है, तो आंख जो है उसका आकार और उसकी क्रिया वो अलग है, और कान की क्रिया अलग है, कान सुनता है और आंख देखती है, तो ये स्वगत भेद हो गया। एक ही वस्तु के अलग अलग अवयव में जब परस्पर भेद देखा जाता है तो उसको बोलते हैं स्वगत भेद। फिर सजातीय भेद, जब दो सजातीय वस्तुओं में, एक ही जाति की वस्तु है उसमें भेद देखा जाता है तो वो होता है सजातीय। जैसे हम हैं, मनुष्य है, मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य है, तो मनुष्य मनुष्य में भी भेद है। मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है। इस प्रकार से अलग अलग तरह के भेद हैं सबके, मनुष्य मनुष्य के अंदर कितने ही भेद हम दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे अंदर सजातीय भेद भी है, स्वगत भेद भी है, और विजातीय, विजातीय भेद मतलब जो हमसे विजातीय है, जैसे मनुष्य अमनुष्य का विजातीय तत्व हो गया पशु, पशु पक्षी या स्थावर जैसे पशु पक्षी या वृक्ष आदि, तो उसमें मनुष्य मनुष्य है और पशु पशु है, तो विजातीय है, भेद है, अंतर है। मनुष्य अलग है, मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की क्रियाएं, मनुष्य की रहना सहना और पशु का सब कुछ अलग है, लेकिन भगवान में ये कोई भी भेद नहीं देखा जाता। स्वगत, सजातीय और विजातीय, तीनों प्रकार के भेद भगवान में एब्सेंट है। तो इसीलिए उनको बोला गया भगवान अद्वैय है। अद्वैय का मतलब एक ही है, जब भेद ही नहीं है तो क्या है, एक ही हो गया फिर। इसलिए बताया गया कि भगवान अद्वैय ज्ञान परतत्व है। ज्ञान तो है, ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। परतत्व का मतलब है श्रेष्ठ वस्तु, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठतम उनकी अभिव्यक्ति है, तो परतत्व हो गए। सिर्फ एक ही शब्द जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, अद्वैय। भगवान अद्वैय कैसे हैं, भगवान को अद्वैय इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अंदर ये तीन प्रकार के भेद, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद नहीं देखे जाते। अब ये किस प्रकार से ये भेद भगवान में नहीं देखे जाते हैं, इसकी चर्चा कल को करते हैं, ठीक है। वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।